क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाने गाता है? क्या आपने कभी मोजे पहने हुए किसी पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। ये इतने दुर्लभ है कि चुनिंदा लोग ही इसको देख पाते हैं, मगर आप भी इनको देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए। नंबर 10, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरेट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है शायद आप इसको देखकर समझ गए होंगे। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी तोतों की प्रजाति में सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात ये है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर शिकारियों का खाना बनता है। इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 211 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है, साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते हैं, साथ ही इनको खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9, ज्यूनिन ग्रीब। ज्यूनिन ग्रीब नाम के इस पक्षी को ज्यूनिन फ्लाइटलेस ग्रीब भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू की ज्यूनिन लेक में पाए जाने वाले ज्यूनिन ग्रीब लेक्स में रहना ही पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। ज्यूनिन ग्रीब की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से ज्यूनिन झील में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी रोक है, ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस ज्यूनिन ग्रीब को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, सुपर्ब लायर बर्ड। सुपर्ब लायर बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं ये तोते की प्रजाति में से एक तो नहीं? लेकिन यहाँ आप गलत है। ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से सुपर्ब लायर बर्ड अब संकट में है और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब यह पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षी के धीरे धीरे विलुप्त होने का कारण ये भी है कि ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से ये मनुष्य की गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 7, ऑरेंज बेलीड पैरेट। ऑरेंज बेलीड पैरेट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नायाब पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बेलीड पैरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये ऑरेंज बेलीड पैरेट दूसरे पैरेट से बात करने के लिए एक तरह की बजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तास्मानिया में पाया जाने वाला ये पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस वक्त ये पक्षी इतना खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लभ दर्शन आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलैंड पर हो सकता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए ये फेमस है।
इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेल पक्षी ज्यादा आकर्षक होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी मुश्किल है। नंबर 5, द ग्रेटर सेज ग्राउस। द ग्रेटर सेज ग्राउस दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक अडल्ट ग्रेटर सेज ग्राउस में पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है। सन 2000 तक द ग्रेटर सेज ग्राउस को ग्राउस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इनकी एक खास प्रजाति बनाई गई, जिसको द ग्रेटर सेज ग्राउस नाम दिया गया। अगर आप इस ग्रेट पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में ये संभव है। और जब आप इस पक्षी के दर्शन करके वापस आए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नंबर 4, क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड दिखने में ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगते, लेकिन दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति में जरूर आते हैं। ये खास किस्म के पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल बर्ड्स में आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है, तो वही अगर बात करें फीमेल बर्ड्स की, तो इनका आगे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने लाल रंग वाले हिस्से को पूरी तरह फुला लेते हैं। ये पक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए उनके वजन की, तो ये 1.5 किलो तक के हो सकते हैं, और साइज लगभग 45 इंच तक बढ़ता है। इस प्रजाति में फीमेल बर्ड्स मेल बर्ड से थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और माइनिंग की वजह से क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड्स की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही रहा, तो जल्द ही ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। नंबर 3, विक्टोरिया क्राउन पिजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है। जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है, उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। क्राउन पिजन पिजन की प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ पिजन्स भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पिजन की आंखें लाल होती है, जो इसको और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देता है। ये पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस खास क्राउन पिजन को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 2, ग्रीन पी फाउल। जहां हमने इतने पक्षियों की बात की, वहां हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की मार्केट डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का भी एक तरह का मोर होता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये देखने में पूरी तरह हरे रंग का होता है और काफी सुंदर दिखता है। कितना अमेजिंग है ना ये ग्रीन पिकॉक। अगर आपको भी ये पिकॉक अच्छा लगा, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड्स। दुनिया के सबसे अनोखी पक्षियों की लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड्स का नाम आना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ ही ये पक्षी दिखता भी थोड़ा अलग है। सेक्रेटरी बर्ड्स को किलर क्वींस भी कहा जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि ये किंग कोबरा को मात दे सकते हैं। अगर गौर किया जाए, तो सेक्रेटरी बर्ड्स का आधा शरीर बास की तरह और आधा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है। इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। सभी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देखकर लगता है जैसे इन्होंने लंबे काले मोजे पहन रखे हो, जिसकी वजह से ये चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे कोई मॉडल पूरे एटीट्यूड में चलती हुई आ रही हो। तो आज आपने देखी दुनिया की 10 सबसे अनोखे पक्षी। इन सब पक्षियों में आपको कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना सके।